आप सब श्रद्धावान परिजनों से कुछ कहने का मन हो आया, और हम
कुछ गुरुदेव की जन्म शताब्दी में यह पर्व और अधिक महत्व रखता है। पूरा जीवन माँ गायत्री की आराधना करने वाले सिद्ध साधक की यह जन्म शताब्दी की विशिष्ट वेला है। वे अपनी प्रखर साधना तपश्चर्या से सर्व समर्थ माँ को पूरी तरह अपने अंदर समाविष्ट कर एक रूप एक भाव हो चुके हैं। भारतीय संस्कृति की रक्षा का बड़ा उद्देश्य लेकर वे अवतरित हुए। संस्कृत के दो ही विशिष्ट आधार जो माता एवं पिता के ही स्वरूप हैं, वे हैं गायत्री एवं यज्ञ। गायत्री का अर्थ है सद्बुद्धि एवं सद्भाव, यज्ञ का अर्थ है त्याग एवं सत्कर्म। उन्होंने न केवल स्वयं ही गायत्री एवं यज्ञ को आत्मसात किया बल्कि लाखों करोड़ों साधकों के जीवन में आत्मसात कराया, उनके अमृत का पैमान कराया। लोगों के जीवन में आचरण में सद्भाव एवं त्याग भाव समाविष्ट हुआ है। वे असुरता को परास्त कर संस्कृत रूपी सीता माता को छुड़ा लाए। अब हम सबको यह दिव्य अमृत पूरे विश्व में जन जन तक पहुंचाना है। गायत्री जयंती से लेकर गुरु पूर्णिमा तक पुनः दूसरा मंत्र लेकर अभियान चलाया जाना है। एक अभियान आप सबने पूरा किया होगा महाशिवरात्रि से लेकर रामनवमी तक और गायत्री जयंती तक। अब इसके बाद दूसरा चरण गायत्री मंत्र लेखन जन्म शताब्दी वर्ष की विशेष में होगा, उसको भी हमें चलाना है। इन 36 दिनों में 36 दिन का समय है गुरु पूर्णिमा तक। हम लोग आप सबके बीच में 40 दिन रहेंगे, 40 दिन का अनुष्ठान करेंगे सब मिलजुल के। इन 36 दिनों में 2400 मंत्र लेखन पूरे किए जा रहे हैं। आप सब समर्पित साधकों से अपेक्षा है कि वे स्वयं को निष्ठा सहित करें ही अन्य अनेकों को भी प्रेरित कर विशिष्ट पुण्य लाभ सके। और इसी पे इसी को स्वर्ग कहते हैं। जिस परिवार में
मतलब जो हमारा छोटा परिवार हो, हम तो हमारे दो का या पूरा वर्ल्ड परिवार, उसमें अगर सुख शांति स्थापित होगी तो पारिवारिक सिद्धांतों पर, पारिवारिक सिद्धांत की स्थापना गुरुदेव पूरे विश्व में करना चाहते हैं और उसके स्थापना में मैंने कर्म करके अपने आप को पवित्र बनाएंगे, अपना अपना शोधन करेंगे, इस लाइफ बनाएंगे अपने आप को कि हम देव शक्तियों का आह्वान कर सके, हमारे आह्वान की देव शक्तियाँ आ सके और वो हमारी श्रद्धा वाली आहुतियाँ ग्रहण कर सके और हमें आशीर्वाद प्रदान कर सके। फिर हम इस यज्ञ के आचार्य के रूप में परम गुरुदेव वंदनीय माता जी का आह्वान करेंगे, उनका वर्णन करेंगे। हम सब तो उनके प्रतिनिधि मात्र हैं, हम सब तो उस तरीके से हैं जैसे ये भाई हमारे आवाज को आप तक पहुंचा रहा है, वैसे हम सब जो भी बोल रहे हैं, जो संगीत के माध्यम से उन्हीं का संदेश आप आत्मसात करें, इसलिए हम उनका आह्वान करेंगे। फिर देव सखियों का भावरा पूजन करेंगे, पूजा वेदियाँ जो विशिष्ट बनी है वहाँ पे एक एक जोड़े आकर वो उसका पूजन करेंगे, उसके बाद देव शक्तियों का हम सुर सुर चार विधि से पूजन करेंगे और गायत्री माता की आरती होगी, विशेष प्रसाद आप प्राप्त करेंगे। तो अंत तक सबको रहना है आरती और विशेष Yeah.
दैनिक मंत्र के द्वारा पूजन करें, भावना करें कि हमारे अंदर की भी अखंड दीप अखंड चेतना जागृत हो जाए। यहाँ पे भी अखंड दीप स्थापित है 15 वर्षों से हमारे आदरणीय भाई श्री ठाकरे जी के यहाँ। आप सब भी चाहे बाहर का ही अखंड दीप अगर न जला पाए, लेकिन अखंड जीवन पत्रिका के माध्यम से अपने अंदर के उस अखंड ज्ञानमय स्वरूप को जागृत कर सकते हैं। आपकी जो भाषा हो जो स्वरूप में आता है
शंकर कहिए, पार्वती कहिए, जो भी कहिए, कौन माता पिता तुम्हें वसुधा गायत्री मंत्र यूनिवर्सल है, उसका जो स्वरूप है यूनिवर्सल, वो संता यानी सूर्य के रूप में है, प्रकाश के रूप में है, जो भी हमारा जीवन है, शून्य है तभी धरती, शून्य है तभी चेतना है। और अगले दिनों इस दिन पे सब एक मत होंगे और सभी दुनिया के लोग सूर्य उपासना करेंगे, सूर्य उपासना से अपने हृदयी होते हैं, हमारी वाइटलिटी बढ़ती है, हमारी आयु वृद्धि होती है और हम जो भी पाना चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। साउथ ईस्ट का जो कोना है ये उधर वाला कोना, ये पूर्व है, पश्चिम का विकास हो तेजस्वता का भाव से आवाहयामि स्थापयामि
अच्छे संस्कारों का गुणों का अपने जीवन और समाज में पोषण हो विकास हो इस भाव से नमस्कार।
स्वस्ति वाचनम्। अब दो क्रियाएं करने के बाद हम लोग अपनी स्थापना करेंगे, आहुतियां देंगे, स्वस्ति वाचन करेंगे। सबसे पहले अपने राइट हैंड में फ्लावर राइस और वाटर आप ले लीजिए, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर करके कमर सीधी करके बैठे। ये हम सब कलेक्टिव प्रेयर कर रहे हैं, सामूहिक प्रार्थना, इसके लिए विश्व कल्याण। ये जो यज्ञ हो रहा है विश्व कल्याण के निमित्त हो रहा है। अभी इसके क्या होती है कल्याण, आदमी ईर्ष्या, द्वेष, एक दूसरे के प्रति घृणा, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, राष्ट्रवाद के नाम पे लड़ रहा है आदमी, और आपस में सारी शक्तियां नष्ट कर दे रहा है। ये फीलिंग अगर आदमी की ठीक हो जाए, ईर्ष्या, द्वेष, दुखी का प्रोपेगेशन कर, हम अपनी भावनाओं को ठीक, हमारी भावनाओं के तरंगे अंतरिक्ष में जाकर सबको प्रभावित करें। वेद मंत्र में वो पावर है, इतना जबरदस्त पावर है कि वो वातावरण को हिला के रख देता है। चार प्रकार की शक्तियां होती है मंत्र में, फल प्रदान शक्ति, उसकी बहुलीकरण की शक्ति, अयातायात की शक्ति और प्रामाण्य शक्ति, और ये सारे इफेक्ट डालते हैं कि वाणी से, मन, सबका विचार, सबकी भावनाएं सब कल्याणकारी बने, श्रेष्ठ बने, सब महान बने। वातावरण भाव से स्वस्थ वाचन हमारे कार्यकर्ता भाई बहन उनको मंत्र आता है, बैठकर सामूहिक प्रार्थना करें, साथ में मंत्र उच्चारण लें और निश्चित कर्म विश्व कल्याण करें। हरि प्रिया प्रिय पति Yeah.
चारू वन सेकेंड। थैंक यू। सुप्रभात।
Thank you.
काम करेगी।